हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 हिंदी ग्रामर चैप्टर 14 वाच। वाच को क्या कहते हैं? वॉइस। वाच है क्या? वाच में क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा किए गए कार्य का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। अर्थात क्रिया द्वारा जो कार्य हो रहा है वो कर्ता पर पड़ रहा है या कर्म पर पड़ रहा है या भाव पर पड़ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। इसके बाद देखेंगे वाच्य के भेद। जो वाच्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है? कर्तवाच, कर्मवाच और एक आपका होता है भाववाच्य। तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, कर्तवाच्य है और कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? तो कर्तवाच में क्या होता है, इसमें क्रिया का पूरा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, ना तो कर्म पर पड़ता है और ना ही भाव पर पड़ता है। इसमें दिया जा रहा है जिस क्रिया का संबंध कर्ता से होता है उसे कर्तवाच कहते हैं। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार ही होता है, ठीक। इसमें ना तो कर्म का कोई महत्व होता है ना ही भाव का कोई महत्व होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्तवाच। जैसे लता विज्ञान पढ़ती है, लता विज्ञान पढ़ती है, सिंपल एकदम है, इसको क्या कहते हैं? कर्तवाच को एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो लता विज्ञान पढ़ती है, एकदम सिंपल है, कर्तवाच हो जाएगा। और बच्चे गेंद खेलते हैं, एकदम सिंपल है, कर्तवाच। लेकिन जैसे ही द्वारा अगर मिल जाए, के द्वारा अगर यहाँ क्या दिया जाए, बच्चे गेंद खेलते हैं, अगर यहाँ यह बच्चे गेंद के द्वारा खेलते हैं, बच्चे गेंद के द्वारा खेलते हैं, तब कर्मवाच्य हो जाएगा। बच्चे गेंद खेलते हैं तो कर्तवाच्य, और बच्चे गेंद के द्वारा खेलते हैं तो कर्मवाच्य हो जाएगा। बस इतना ही आप सबको ध्यान देना है। तो कर्तवाच आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जिसमें केवल कर्ता पर प्रभाव, मतलब कि जब क्रिया का संबंध केवल कर्ता से ही होता है। बच्चे गेंद खेलते हैं तो खेलते हैं कौन? बच्चे। अगर यहां ये जब बच्चे गेंद के द्वारा खेलते हैं, गेंद के द्वारा खेलते हैं, तो अब प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया का गेंद पर पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच हो जाए। लेकिन बच्चे गेंद खेलते हैं, इसमें पूरा प्रभाव क्रिया का कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए इसे कहेंगे कर्तवाच। इसके बाद दूसरा देखेंगे कर्मवाच। कर्मवाच में क्या होता है? जब क्रिया का संबंध कर्म से होता है या वाक में कर्म की प्रधानता होती है तब कर्मवाच होता है। इसमें क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार प्रयुक्त। जैसे गुरुजी द्वारा हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है, अब यहां पर पूरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, ठीक है? यहां देख लें, गुरुजी द्वारा हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है, अर्थात वो जो पढ़ा रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, पूरा प्रभाव क्रिया का उनके कर्म पर पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच। लता द्वारा विज्ञान पढ़ा जाता है। आप लोग देख रहे हैं हर सेंटेंस में द्वारा आया है, ठीक है? तो कभी कभी के द्वारा आता है, कभी डायरेक्ट द्वारा ही दे देता है। तो द्वारा जैसे देखिए आपको समझ जाना चाहिए वो कर्मवाच्य। इसमें क्या होता है? क्रिया का पूरा प्रभाव कर्म पर ही पड़ता है। जिस सेंटेंस में क्रिया का पूरा प्रभाव कर्म पर पड़े उसे कर्मवाच्य कहते हैं। लेकिन समझने के लिए आप लोग ये ध्यान देना, अगर द्वारा दिखाई पड़ा वाक्य में तो कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है? तो आप सभी समझ में आ ही गया होगा कि बच्चे द्वारा गेंद खेला जाता है, बच्चे द्वारा गेंद खेला जाता है, कर्मवाच्य हो गया। तो कर्तवाच, कर्मवाच दोनों आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इस बात देखेंगे भाववाच। भाववाच में क्या होता है? इसमें क्रिया का प्रभाव पूरा किसे पड़ता? भाव पर पड़ता है। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्ता या कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार ना होकर किसी अन्य पुरुष, लिंग
एक वचन में प्रयुक्त होते तब भाववाच्य होता है। इसमें भाव की प्रधानता होती, भाववाच्य में किसी प्रधानता होती, भाव की। इसमें क्रिया अकर्मक होती है, भाववाच्य का प्रयोग कम होता है। जो भी कार्य होगा वो अकर्मक होगा, सकर्मक नहीं होगा। अगर अकर्मक है तब भी क्या होगा, भाववाच्य ही होगा। जैसे माधुरी से सोया नहीं जाता, अगर किसी सेंटेंस में आपको नहीं मिले तो समझ लो भाववाच्य ही है। जैसे माधुरी से सोया नहीं जाता भाववाच्य, मोहन से लिखा नहीं जाता भाववाच्य, स्वर्णिमा से रोया नहीं जाता भाववाच्य, उससे बरसात में दौड़ा नहीं जाता भाववाच्य, क्योंकि सभी क्या होते हैं, अकर्मक में होते हैं। सुरेश से पढ़ा नहीं जाता भाववाच्य, मोहन से बोझ उठाया नहीं जाता भाववाच्य, अगर उठाया जाता तो कर्मवाच्य हो जाता। अब देखिए कर्तवाच्य से भाववाच्य कैसे बदलेंगे। माधुरी नहीं सोती, सिंपल है, द्वारा भी नहीं दिख रहा है, कर्मवाच्य हो जाएगा। माधुरी नहीं सोती कर्तवाच्य, अब इसको भाववाच्य में क्या बदलेंगे, माधुरी से सोया नहीं जाता भाववाच्य, स्वर्णिमा नहीं रोती, एकदम सिंपल है, कर्तवाच्य, स्वर्णिमा से रोया नहीं जाता तो भाववाच्य, ठीक है। इसके बाद है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन देखेंगे, कर्ता से कर्मवाच्य, कर्म कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि कर्तवाच्य की क्रिया सकर्मक हो, तभी उसके कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता में बदला जा सकता है। कर्म को चुनकर उसे कर्ता के रूप में और कर्ता को कर्म के रूप में बदल दीजिए। क्रिया को बदल कर बदले हुए कर्ता में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार कर दीजिए। पहले वाले कर्ता के साथ से या द्वारा लगा दीजिए, ठीक है। अब वो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है। प्रकाश रोटी खाता है, अब कर्मवाच्य में बदलना है। प्रकाश द्वारा रोटी खाई जाती है, अब कह रहा प्रकाश द्वारा रोटी खाई जाती है, कर्मवाच्य। अगर ये हो जाए प्रकाश द्वारा रोटी नहीं खाई जाती है, तब क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। क्योंकि अगर हम उसे सकर्मक में रखेंगे, सकर्मक और अकर्मक, ये दो पॉइंट में आपको ध्यान देना है। जैसे प्रकाश द्वारा रोटी खाई जाती है, अभी सकर्मक हो गया, तुरंत क्या हो गया, कर्मवाच्य। अगर इसको हम अकर्मक बता दें तो प्रकाश द्वारा रोटी नहीं खाई जाती है, अब यहां कर्मी नहीं हो रहा, खा ही नहीं रहा है, अकर्मक हो गया, भाववाच्य हो जाएगा। अंजलि से कपड़ा, अंजलि ने कपड़ा सिला, कर्तवाच्य, अंजलि द्वारा कपड़ा सिला गया, कर्मवाच्य हो जाएगा। इसमें देखिए कर्तवाच्य से भाववाच्य कैसे बदलेंगे। संध्या नहीं रोती, कर्तवाच्य एकदम सिंपल है। अगर ये संध्या से रोया नहीं जाता, भाववाच्य, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि भाववाच्य में से लगा के बना लेते हैं और कर्मवाच्य में द्वारा लगा के बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो भाववाच्य होता है हमेशा अकर्मक होता है, कर्मवाच्य जो होता है हमेशा सकर्मक होता है। सुरेश नहीं सोता, कर्तवाच्य, सुरेश से सोया नहीं जाता, भाववाच्य हो जाएगा। तो आप सभी लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे वाच्य को, तो सभी को कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य समझ में आ गए होंगे। कर्तवाच्य जो होता है एकदम सिंपल होता है, जैसे वह नहीं सोता, वह नहीं खेलता। जैसे ही अगर ये कह दिया वह नहीं सोता, कर्मवाच्य बदलना है, क्या करेंगे। जैसे कह दिया मोहन नहीं सोता, इसको कर्मवाच्य बदलना है, मोहन द्वारा, जैसे मोहन नहीं सोता, मोहन द्वारा सोया जाता है लिख देंगे कर्मवाच्य, मोहन द्वारा सोया नहीं जाता, भाववाच्य बदल जाएगा। तो आप सभी को कर्तवाच्य, कर्म और भाववाच्य अच्छे समझ में आ गए होंगे। बाकी बुक से पढ़िएगा और ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा एक दो बार, तो आपको वाच्य अच्छे से समझ में आ जाएगा।